गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी पहले कक्षा में हो और हमारा अभी पीरियड है हिंदी का। तो बच्चों, इससे पहले हमने एक वर्ड की पहचान की थी। कौन से वर्ड की पहचान की थी आपके ध्यान में है? हाँ, हमने पहचान की थी ए वर्ण की, ए से एडी। ठीक है, तो इस वर्ण से ही हमें और दूसरा वर्ण भी लिखने को और यह वर्ण है आई। हाँ, तो आज हम इस आई वर्ण की पहचान करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, ये ए और ये आई में क्या क्या है समानता? देखो, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, है ना? लेकिन इसके ऊपर एक मात्रा है, ये है आई की मात्रा। तो इसको हम देखते ही ये ए से क्या बनेगा आई, बहुत ही आसान है, है ना? हाँ, तो बच्चों आज हम आई से ऐन इस वर्ण की पहचान करने वाले हैं। तो आई से ऐन ये आज हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों इधर देखो, आई से ऐन, ऐन यानी कि इसको मराठी में हम चश्मा कहते हैं। जो बूढ़े दादा दादी होते हैं या किसी को अच्छी तरीके से पढ़ने को नहीं आ रहा है, जिसको आँख में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग जो होते हैं वो क्या पहनते हैं? ऐनक पहनते हैं। ऐनक पहनने से उनको अच्छे तरीके से दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो आई से ऐनक, यह एक ही शब्द आई से शुरू होता है क्या? बिल्कुल नहीं। आई इस वर्ण से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, जैसे कि आई से ऐलान, आई से एम्बुलेंस, आई से ऐठन, आई से ऐनक, सारे शब्द आपको ढूंढने भी है। ठीक है, आज मैंने बहुत सारे शब्द आपको बताए हैं, है ना? हाँ, तो आई वर्ण से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। तो बच्चों देखो, आपका जो बुक है उसको निकालो झट से। हाँ, जो हमारा है हिंदी अक्षर वाला भाग अ, इस बुक को आप स निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे पेज नंबर 13 यानी कि पेज नंबर 30। ठीक है, तो यह हमारा है पेज नंबर 30। तो इस पेज पे आपको यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है। हाँ, और यहाँ पे आई की चित्र भी है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है ना? हाँ, और यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ है, तो ये पंक्तियाँ आप मेरे साथ पढ़ोगे। पढ़ोगे ना सर? हाँ, तो आपकी उंगली कहाँ पे होनी चाहिए? इधर। ठीक है, चलो पढ़ो मेरे साथ। आई से ऐन बड़ी शैतान, सबके पकड़े इसने निकाल। तो ये जो ऐन होती है वो कहाँ पे लगाई जाती है? वो कान के ऊपर लगाई जाती है, है ना? तो जिस एक प्रकार से ऐसे लग रहा है कि ऐनक जी ने हमारे क्या किए है, कान पकड़ लिए है, है ना? तो फिर से हम इसको एक बार और बोलेंगे। ठीक है, सब तैयार है? हाँ, चलो बोलो मेरे साथ। ऐसे ऐनक बड़ी शैतान, सबके पकड़े इसने कान। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, है ना? ऐनक ने हमारे कान पकड़े है, ऐसे सिर्फ कल्पना की हुई है। सचमुच में कान पकड़े हुए है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो बच्चों हमारा इसके आगे की पढ़ाई है कक्षा का। कक्षा काल यानी का इसका मतलब है हमारा क्लास का। पर अभी आप कहाँ पे हो? घर पे हो। हाँ, और आपको यह कक्षा काल भी आपके घर में ही करना है। तो आपका कक्षा कार्य क्या है? हाँ, आई लिखना है आपको अच्छी तरीके। आपको इस पेंसिल से यहाँ पे कक्षा कार्य करना है। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस प्रकार हमें यह लिखना है। ठीक है, आई से ऐना, तो यह हमारा है कक्षा कार्य।
यहाँ पे लिखा हुआ है गृह कार्य, गृह कार्य का मतलब है आपका होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऐसे ऐला, ऐसे ऐना, ऐसे बोल बोल कर अच्छी तरीके से लिखना है। तो देखो बच्चों, यह इस तरह से हम ऐसे आई यह वर्ण लिखने वाले हैं। इस और आपका हैंडराइटिंग किस तरह से होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरीके से आप इसको ट्रेस कीजिए और बाद में इसको नीचे नीचे कीजिए, ठीक है। इस यह काम यह पढ़ाई होने के बाद हमारी बारी आती है एक्टिविटी की, जो मेरे बच्चों को बहुत ही भाती है ना, आपको बहुत अच्छी लगती है ना एक्टिविटी। हाँ, तो हमारी एक्टिविटी क्या है आज की, चलो पढ़ो मेरे साथ। कलर द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। तो यह पिक्चर किसकी है? आईना की है। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कलर करना है। जो आपको अच्छा लगता है वो कलर आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें आपको क्या लिखना है? आई लिखना है। कौन सा वर्ण लिखना है? आई। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। आपको पूरा शब्द नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ए इतना ही लिखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने आज ए इस वर्ण की पहचान की है। इसके बाद आपको और एक काम करना है। कौन सा काम करना है? देखो, आपके पास इस तरह से नोटबुक होगी, है ना? हाँ, तो इस बुक में आपको ऐसे ऐना यह दो बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? दो बार, ऐसे इस तरीके से। आपको सबको दिखाई दे रहा है? हाँ। और इसके पीछे पिछले पेज पर आपको इसका होमवर्क भी करना है। होमवर्क करते समय भी आपको यह ऐ जो वर्ण है आपको दो बार लिखना है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अभी हमने हमारे टेक्स्टबुक में पढ़ाई कर ली, हाँ, उसके बाद हमने नोटबुक में पढ़ाई कर ली, हाँ। तो अब बारी आती है किसकी? हाँ, अब बारी आती है वर्कशीट की, जो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी जो वर्कशीट होती है वो बहुत आसान होती है ना, होती है कि नहीं आसान? हाँ। तो बच्चों देखो, यह हमारी है वर्कशीट। जिस कौन सी वर्कशीट है? आई वर्ण की, ठीक है। तो बच्चों अब मुझे बताओ हमारे स्कूल का नाम क्या है? सभी को मालूम है? हाँ, तो हमारे स्कूल का नाम है रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल के, यहाँ पे लिखा हुआ है ना? हाँ। और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, हमारी कक्षा है पहली कक्षा, और वर्कशीट है हमारी आई की, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा नाम आपको लिखना है, हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट डालनी है, जिस दिन आप यह वर्कशीट छुड़ाओगे उसी दिन आपको यहाँ पे डेट डालनी है, ठीक है, उसी दिन की। उसके बाद यह पहला प्रश्न हमारा है, यह क्या है? देखो, पढ़ो मेरे साथ। चित्र देखकर वर्ण लिखिए, यानी कि यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं और ये चित्र आपको अच्छे से देखने हैं और इसकी पहचान करनी है, और यह पहचान करते ही आपको कौन सा वर्ण मिल जाएगा? आई। तो यह चित्र पहचान कर आपको यहाँ पे आई लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है? देखो, गुड हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है ना, इसी प्रकार आपको पेंसिल से यहाँ पे अच्छे से लिखना है। तो बच्चों देखो, ये कौन से चित्र है यहाँ पे, देखो जल्दी। हाँ, तो हमारा पहला चित्र है आईना, ठीक है। उसके बाद है एंबुलेंस, उसके बाद बारी आती है ऐरावत की, ऐरावत यानी कि हाथी, ठीक है। हाँ,
निचोड़ने से वह बाहर चला जाता है और कपड़े अच्छे से रस्सी पे डालने के बाद वो अच्छे से सूख जाते हैं। तो जो ऐठन होती है, ऐठन का मतलब क्या है, माँ जो कपड़े होते हैं वो निचोड़ती है तो उसको ऐठन बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये देखो ऐठन। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है, ये रुमाल है। हाँ समझो, ये गीला है मेरे पास और उसको मुझे सुखाना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इस तरीके से इसको ऐसे इसको निचोड़ूंगी। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम कुर्ती कर रहे हैं, तो इसको ऐठन बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ मेरे सब बच्चे बहुत होशियार है, है कि नहीं। तो उसके बाद ऐठन के बाद, ऐठन में से आपको क्या लिखना है, सिर्फ ऐ लिखना है। उसके बाद बारी आती है ऐलान की। तो ऐलान का मतलब मैंने आपको समझाया है कि ऐलान का मतलब है कि कोई भी बहुत महत्वपूर्ण जो बात होती है, जो सबके लिए बहुत जरूरी होती है, हाँ तो उसका ऐलान किया जाता है। उसको मराठी में दवन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, दवन्नी। ठीक है, तो यह है ऐलान। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक आदमी हाथ में क्या लिया है, उसने लाउड स्पीकर लिया है और वो जोर जोर से बोल रहा है कुछ, है ना, तो इसको बोलते हैं ऐलान। ठीक है, तो बच्चों हमारी भाषा तो बहुत आसान है, आप झट से इसको लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज आप हमने वर्ण ऐ की अच्छी तरीके से पहचान की है ना। तो इसकी आगे की पढ़ाई हम बाद में करेंगे।